नाउ गाइस, हमने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया, हमें थ्योरी समझ में आ गया पीसीए का। हमने एक खुद का कोड भी रन करके देखा कि पीसीए स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक्चुअल डेटा सेट पे काम करेंगे और साइकिट लर्न का जो पीसीए इम्प्लीमेंटेशन है उसको यूज करेंगे, ठीक है? क्योंकि एट द एंड आपको साइकिट लर्न ही यूज करना है, वही सबसे बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन है। तो एमनिस्ट डेटा सेट जो है, जो कि बहुत ही फेमस डेटा सेट है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। एमनिस्ट डेटा सेट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस, ठीक है? और हर इमेज में हैंड रिटन डिजिट्स हैं, लाइक दिस, अलग अलग लोगों के लिखे हुए हैंड रिटन डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक। और ये एक क्लासिफिकेशन टास्क है, यहाँ पे आपको सारे के सारे पिक्सल्स का वैल्यू एनालाइज करके ये प्रिडिक्ट करना होता है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है? ये यही काम हम लोग करेंगे, फर्स्ट विदाउट पीसीए एंड देन विथ पीसीए। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू माय ब्राउजर एंड आई विल सर्च फॉर डिजिट रिकॉग्निशन कैगल, एंड दिस इज द फर्स्ट लिंक जहां पे आपको डेटा मिल जाएगा। एंड ओवर हियर दिस इज द पेज। फर्स्ट आई विल गो टू कोड एंड आई विल क्लिक ऑन न्यू नोटबुक। आई विल ऑल्सो रीनेम दिस नोटबुक टू पीसीए डेमो। पता नहीं क्या हुआ, पीसीए डेमो। एंड आई विल रन दिस सेल, सो दिस विल गिव मी द पाथ ऑफ माई डेटा। सो यू कैन सी दिस इज द पाथ ऑफ आर डेटा सेट। सो मैं ट्रेन वाले के ऊपर काम करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू टच टेस्ट डॉट सीएसवी। सो डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड सीएसवी एंड आई विल पास दिस। एंड नाउ इफ आई शो यू कि हमारा डेटा कैसा दिखता है, तो गाइज ये हमारा डेटा है, ठीक है? सो हमारा जो एमनिस्ट वाला डेटा सेट है उसमें जो एक इमेज है, इट कंसिस्ट ऑफ 28x28 pixels। सो इस डायरेक्शन में देर आर 28 pixels, इस डायरेक्शन में देर आर 28 pixels। सो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यू गेट इन टोटल ऑफ 784 pixels। सो इन लोगों ने क्या किया है कि हर पिक्सल को एक कॉलम बना दिया है, ठीक है? और ऐसे हमारे पास टोटल मिला के कितने इमेजेस हैं, सो वी हैव इन टोटल 42,000 इमेजेस। तो हर 42,000 इमेज का, हर पिक्सल का वैल्यू को मैंने टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर लिया। दैट इज वाई मेरे टेबल का जो शेप है, दैट इज 42,000 इमेजेस क्रॉस 784 कॉलम्स, बेसिकली वन कॉलम फॉर ईच पिक्सल, ठीक है? और यहाँ पे 785 कॉलम इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज द लेबल, मतलब ये बता रहा है कि इस इमेज में कौन से डिजिट का फोटो है। सो अगर डिजिट 8 है तो लेबल का वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है? यू कैन सी, सो अगर यहाँ पे मैं हेड के बदले सैंपल करूं, यू वुड सी कि ये बाय लक ये जो इमेज निकल के आया है, ये इमेज में जो डिजिट है वो 8 है, ठीक है? आई कैन एक्चुअली शो इट टू यू। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज मैटप्लॉटलिब। सो आई विल इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी, एंड इफ आई यूज पीएलटी डॉट आईएम शो इमेज शो, और यहां पे अगर मैं पास करूं डीएफ डॉट आई लॉक रो नंबर 18306, और इसको अगर मैं रीशेप कर दूं 28,28 में। ओके, वन मोर थिंग इज कि मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे रो नंबर ये चाहिए, बट मुझे कॉलम्स चाहिए 1 onwards, क्योंकि पहला कॉलम लेबल है, मुझे सिर्फ पिक्सल्स का डेटा चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करूं तो इट वुड थ्रो एन एरर, हमें इसका वैल्यूज निकालना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज इट्स अ सीरीज। एंड यू कैन सी कि ये सच में 8 का इमेज है, ठीक है? अगर मैं रैंडमली कोई और सैंपल ड्रॉ करूं, सो ये जो सैंपल है ये 0 है, ठीक है? 13051। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 13051
और इसको अगर मैं रन करूं तो यू कैन सी ये सच में जीरो है, ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस एंटायर थिंग इज अरेंज्ड, कि आपको पास आपके पास पहले 28x28 पिक्सल्स का इमेज है, आपने उसके सारे पिक्सल्स को इस तरीके से उठाया, लाइक आपने ये फर्स्ट रो ऑफ पिक्सल्स को उठाया और ऐसे रख दिया। सो ये आपके पहले 28 कॉलम्स बन गए। फिर आपने सेकेंड वाले को उठाया और इसके बगल में रख दिया, आपके नेक्स्ट 28 कॉलम्स बन गए। और इस तरीके से आपने लास्ट रो तक किया तो आपके पास इस तरीके से बेसिकली आपने 2D को 1D में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव डन। सो डेटा हमारे पास क्लियरली आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी से आपको इसके ऊपर एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम रन करके दिखाऊंगा एंड आई विल शो यू कि किस तरह का एक्यूरेसी हम रीच कर पा रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें x और y एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जैसे आप नॉर्मली करते हो। सो वी वुड राइट df.iloc, मुझे सारे रोज चाहिए और कॉलम्स मुझे 1 ऑनवर्ड्स चाहिए, और y इज इक्वल टू df.iloc, मुझे सारे रोज चाहिए, कॉलम 0 चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे फ्रॉम sklearn.modelSelection import train test split x train x test y train y test is equal to train test split x comma y comma test size is equal to 0.2 random state is equal to 42, ठीक है। और अब मेरा एक्सट्रीम जो है उसका अगर मैं शेप निकालू तो इट इज 33,600। सो आउट ऑफ 42,000 इमेजेस मैंने 33,000 इमेजेस रफली मेरे ट्रेनिंग सेट में डाल दिया और बाकी 8,000 समथिंग मैंने मेरे टेस्ट सेट में डाल दिया, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पे कोई मिसिंग डेटा नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, इट्स अ परफेक्ट डेटा सेट। तो मैं एक एल्गोरिदम को कॉल कर रहा हूँ sklearn.neighbors, ठीक है, एंड आई एम इम्पोर्टिंग के नियरेस्ट के नेबर्स क्लासीफायर KNN, ठीक है, बहुत फेमस एल्गोरिदम है। और आई एम राइटिंग KNN इज इक्वल टू के नेबर्स क्लासीफायर का ऑब्जेक्ट और मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स यूज कर रहा हूँ। और नाउ आई एम राइटिंग kNN.fit xtrain कॉमा y train। सो अगर आपको पता होगा कि KNN कैसे काम करता है तो आई गेस आपको रफली आइडिया होगा कि KNN में आप क्या कर रहे हो, कि आप हर पर्टिकुलर इमेज का बाकी सारे इमेजेस से डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो आपको पता चल रहा है कि आपके गिवन इमेज के सबसे सिमिलर इमेजेस कौन से हैं, ठीक है, और फिर उन सिमिलर इमेजेस का आप लेबल पता कर रहे हो। सो अगर आपके सिमिलर जो इमेजेस हैं वो अगर 8 हैं तो आपका दिया हुआ इमेज भी 8 ही होगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ KNN वर्क्स। बट आई गेस आपको ये समझ में आ रहा है कि KNN को काम करने में काफी टाइम लगेगा, बिकॉज क्या कर रहे हो आप एग्जैक्टली, कि आप एक 784 डायमेंशनल स्पेस में एक गिवन पॉइंट का बाकी के 33,000 पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, फिर उसको सॉर्ट करके पता कर रहे हो कि नियरेस्ट नेबर्स कौन से हैं और फिर उनका लेबल पता कर रहे हो। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। सो व्हेन आई विल राइट KNN डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट और उसको जब मैं वाई प्रेड में डालूंगा, दिस स्टेप विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आप एक बहुत हाई डायमेंशनल डेटा के साथ काम कर रहे हो एंड दैट इज व्हाई इट विल टेक सो मच टाइम एंड दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग PCA, राइट। PCA का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप नंबर ऑफ डायमेंशंस कम कर दो ताकि आपको उतना कंप्यूटेशन ना करना पड़े। बट स्टिल मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ और ये करने के पहले आई विल ऑल्सो मेजर जस्ट टू शो यू कितना टाइम लग रहा है। सो आई विल इम्पोर्ट द टाइम मॉड्यूल एंड आई विल राइट स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम और जब ये हो जाएगा इसके बाद आई विल प्रिंट आउट टाइम डॉट टाइम माइनस स्टार्ट जस्ट टू शो यू कि कितने सेकेंड्स लगे इस पूरी चीज को एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ और वीडियो पॉज कर रहा हूँ। सो गाइज इसने उतना भी ज्यादा टाइम नहीं लिया, इट टुक अराउंड 13 seconds, मोस्टली बिकॉज मैं कैगल के ऊपर रन कर रहा हूँ। कैगल का हार्डवेयर इज मच बेटर देन माई मशीन, मेरे मशीन पर काफी ज्यादा टाइम लिया था
इट टुक अराउंड 13 सेकेंड्स और मेरा मॉडल ने प्रिडिक्शन कर दिया. और अब मैंने जब एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट किया तो वी आर गेटिंग अ वेरी इंप्रेसिव 96% एक्यूरेसी, विच इज नॉट बैड एट ऑल. अब मैं क्या करूँगा, आई विल यूज PCA एंड आई विल ट्राई टू गेन इतना ही एक्यूरेसी बट विथ लेस नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, सो PCA में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्टेप वन इज कि आप अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हो. ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है. सो यू वुड राइट sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर. इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर एंड आई एम राइटिंग xtrain इज इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म xtrain and xtest is equal to scalar dot transform xtest. ठीक है, हमने मीन सेंटर कर दिया पूरे डेटा को. अब नेक्स्ट स्टेप है कि यहां पे हम PCA यूज करेंगे. सो उसके लिए यू हैव टू राइट फ्रॉम sklearn डॉट डीकम्पोजिशन इम्पोर्ट PCA और इसका आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे. सो लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज PCA. यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कितने लेने हैं. तो देयर इज अ हाइपर पैरामीटर एन कंपोनेंट्स. इसका वैल्यू अगर आप कुछ नहीं देते हो, लेट्स से आप नन देते हो, तो उतने ही प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मिलेंगे जितने आपके डेटा में कॉलम्स हैं, 784. बट अगर आप चाहो तो इसको कम कर सकते हो, 100 कर सकते हो, 200 कर सकते हो, इट्स अप टू यू. सो लेट्स से फिलहाल हम नन लेकर के चल रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग बराबर नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. ठीक है, बन गया. नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट PCA डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एंड यू विल ट्रांसफॉर्म योर xtrain एंड यू विल स्टोर इट इन xtrain. And same for xtest, you would write PCA dot transform xtest. So इस step में आपने क्या किया, आपने सबसे पहले तो अपने eigen vectors, eigen values find कर लिए और फिर आपने अपने data को उस नए coordinate axis पे kind of shift कर दिया. ठीक है, और अब आपके पास आपका जो data है वो एक transformed coordinate system में है और इसके ऊपर अब आप जो मर्जी एल्गोरिदम्स लगा सकते हो. ठीक है, सो विल टेक सम टाइम ऑब्वियसली बिकॉज आप बहुत हाई डायमेंशनल डेटा पे काम कर रहे हो गया. नाउ वी आर रेडी गाइस. सो अब अगर मैं आपको xtrain का शेप दिखाऊं, xtrain डॉट शेप अगर मैं आपको दिखाऊं तो यू कैन सी कि अभी भी 784 कॉलम्स ही हैं. ठीक है, अब ये तो मैंने बस आपको करके दिखाया. मैं क्या करता हूं, अब मैं सिर्फ 100 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स लेता हूं. सो 784 बनेंगे, उसमें से जो टॉप 784 टॉप 100 जो है, जो सबसे बेटर वाले प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है, अब मैं सिर्फ वो लूंगा, फिर से ट्रांसफॉर्म करूंगा. और अब अगर आप शेप देखो तो यू कैन सी नंबर ऑफ रोज उतने ही है, नंबर ऑफ कॉलम्स घट के 100 हो गए. तो rather than having 784 columns, now you have only 100 columns in the transformed space. ठीक है? अब आप क्या करोगे? अब इस data को आप train करोगे. So you would again use KNN is equal to K neighbors classifier. मैं same settings use कर रहा हूँ. You would write KNN dot fit and you would pass xtrain comma ytrain. ठीक है? ये जो ट्रांसफॉर्म्ड है ये हम यूज कर रहे हैं. और आई गेस मैंने एक मिस्टेक किया, वो मिस्टेक ये है कि पहले से ही ट्रांसफॉर्म था, मैंने उसको फिर से ट्रांसफॉर्म किया. सो व्हाट आई विल डू इज क्विकली मैं एक बार ये सेल रन कर देता हूँ और आई विल ऑल्सो एक्सट्रैक्ट एक्स एंड वाई एंड आई विल ऑल्सो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वन मोर टाइम. ठीक है, और इस बार क्या करता हूँ मैं, इन वेरिएबल्स का नाम चेंज कर देता हूँ. आई विल कॉल स्केलिंग अभी फिर से कर ही लेते हैं.
और पीसीए का ये कोड भी रहेगा, इसका नाम मैं रख रहा हूँ टीआरएफ एज इन ट्रांसफॉर्म, सो दैट मेरे ओरिजिनल वाले एक्सट्रेन से कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप्स मैं मल्टीपल टाइम्स करूंगा। सो अगर आप इस पॉइंट पे एक्सट्रेन का शेप देखो तो वो अभी भी 784 है, बट अगर आप एक्सट्रेन ट्रांसफॉर्म का शेप देखो तो यू वुड सी कि हमारे पास सिर्फ 100 कॉलम्स है। तो हमने 784 डायमेंशनल प्लेन से ट्रांसफॉर्म मार लिया 100 डायमेंशनल प्लेन पे, ठीक है। अब हमें के नियरेस्ट नेबर्स लगाना है, बट हमें जो के नियरेस्ट नेबर्स लगाना है वो एक्स ट्रेन पे नहीं, एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म पे लगाना है, ठीक है। और ये मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, और अब मैं निकालूंगा वाई प्रेड इज इक्वल टू के एन एन डॉट प्रिडिक्ट एंड वी विल पास आवर एक्स टेस्ट ट्रांसफॉर्म्ड। आई विल जस्ट चेक, मैंने एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट के साथ भी टीआरएफ लगा रखा है, सही है, ठीक है। एंड अगेन इट इट विल टेक सम टाइम, हो गया। और अब मैं लिखूंगा एक्यूरेसी स्कोर एंड आई विल पास वाई टेस्ट एंड आई विल पास वाई ब्रेड एंड यू कैन सी आई एम गेटिंग 95% का एक्यूरेसी। समझने का ट्राई करना गाइस, आपने जब स्टार्ट किया था आपके डेटा में 784 कॉलम्स थे, आपका एक्यूरेसी आया 96% सेम एल्गोरिदम पे। आपने पीसीए अप्लाई किया, पीसीए अप्लाई करने के बाद आप ने अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म किया 784 डायमेंशन से 100 डायमेंशन में, और फिर आपने जब सेम एल्गोरिदम लगाया सेम सेटिंग्स यूज करके, यू कैन सी यू आर ऑलरेडी गेटिंग 95%। सो अगर आप थोड़ा सा चेंजेस करो, क्या चेंजेस करो, लेट्स से आप नंबर ऑफ कंपोनेंट्स थोड़ा बढ़ा के 200 कर दो और पूरे कोड को फिर से रन करो, फिर से ट्रांसफॉर्म किया आपने, और इस बार आपका एक्स ट्रांसफॉर्म्ड 200 है, फिर से आपने के नियरेस्ट नेबर का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर से मॉडल को ट्रेन किया और फिर से प्रिडिक्शन किया, हो गया। और एक्यूरेसी थोड़ा सा आई डोंट नो बढ़ा नहीं बढ़ा, बट दैट इज व्हाट यू डू, आप तब तक बढ़ाते हो जब तक आपको बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी नहीं मिल जाता, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट अ पीस ऑफ कोड फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 से लेके 785 तक, सो ये कोड 784 टाइम्स चलेगा, और मैं बस क्या कर रहा हूँ, लूप में सारी चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम क्रिएटिंग पीसीए का ऑब्जेक्ट लाइक दिस, और यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 200 के बदले आई है, मतलब लूप जब पहली बार चलेगा तो आप सिर्फ एक कंपोनेंट यूज करोगे, जब दूसरी बार चलेगा तो दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स यूज करोगे, जब लूप पांचवी बार चलेगा तो आप पांच प्रिंसिपल कंपोनेंट्स यूज करोगे। तो मैं हर बार मॉडल को ट्रेन करूंगा और एक्यूरेसी कैलकुलेट करूंगा, जस्ट टू शो यू कि जैसे जैसे आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बढ़ रहे हैं आपका एक्यूरेसी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कि आप ये स्टेप लिखोगे, अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करोगे, ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप अपना के एन एन ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके बाद आप फिट करोगे, और उसके बाद आप प्रिडिक्ट करोगे, और लास्टली आप एक्यूरेसी स्कोर को प्रिंट कर दोगे। दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन साइड अ लूप, ठीक है। सो आई रन दिस एंड यू वुड सी कि जब आप एक सिंगल प्रिंसिपल कंपोनेंट ले रहे हो तो आपका एक्यूरेसी इज कमिंग आउट टू बी ओनली 25%, बट जैसे आप दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ले रहे हो, दो बेस्ट वाले, तो एक्यूरेसी शॉर्ट अप कर गया 32% पे, तीन लेने पे 51% पे चला गया, फोर्थ पे 66, उसके बाद 73, उसके बाद 82, एंड यू कैन सी अब आप जितने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऐड करते जा रहे हो आपका एक्यूरेसी बढ़ रहा है ग्रेजुअली। ये जो रेट ऑफ इंक्रीज है ये घट जाता है क्योंकि आपके जो मेन वाले प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है वो शुरू वाले हैं, जैसे बाद में जाते जाओगे ये वाले प्रिंसिपल कंपोनेंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। सो इस लूप को अगर आप चलते रहने दो तो यू विल सी कि ग्रेजुअली यू आर रीचिंग दैट 95-96% वाला स्टेज। हो सकता है कि आप 96% एक्यूरेसी कभी ना पहुंच पाओ, ऐसा हो सकता है, बट आप 95.5 तक भी अगर पहुंच जा रहे हो अपना डेटा हाफ से भी कम करके,
तो ऑब्वियसली आप इसको प्रेफर करोगे, दैट इज वाई पीपल प्रेफर पीसीए. ठीक है, तो वॉट आई विल डू इज मैं इसको चलते रहने देता हूँ, एंड में जो रिजल्ट आता है वो इस नोटबुक में आपको मिल जाएगा. बाद में आप एक बार वीडियो के बाद खुद से चला के भी देख सकते हो. ठीक है, बट आई होप द आइडिया इज क्लियर. हमने डिस्कस किया था कि पीसीए दो चीजों के लिए यूज किया जाता है. फर्स्ट, आपके डेटा का डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करने के लिए, सो दैट आपके कंप्यूटेशन आपको इतने ज्यादा ना करने पड़े फॉर अ हाई डायमेंशनल डेटा. तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व होता हुआ दिख रहा है. देर इज वन मोर रीजन जिसकी वजह से पीसीए यूज किया जाता है, दैट इज विजुअलाइजेशन. सो अगर एक डेटा 784 डायमेंशनल स्पेस में है, आई कैन नॉट विजुअलाइज वो डेटा कैसा है, तो उसको आप 2D या 3D में लाके विजुअलाइज करते हो. तो हमने फर्स्ट वाला चीज तो देख लिया, अब हम सेकेंड वाला चीज देखेंगे, हाउ टू विजुअलाइज दिस डेटा इन 3D और 2D. सो गाइज, नाउ कम्स द कूल विजुअलाइजेशन टाइम. मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है, बट टू बी ऑनेस्ट कुछ बहुत डिफिकल्ट कोड है नहीं. सो मैंने क्या किया, एक बार फिर से पीसीए का ऑब्जेक्ट बनाया, और इस बार आई हैव मेड श्योर कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एज इन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मुझे दो ही चाहिए. ठीक है, और मैंने अपने एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट दोनों को ट्रांसफॉर्म कर लिया, और ये रहा मेरा एक्स ट्रेन. सो सिंस सिर्फ दो ही कॉलम्स होंगे, ये रहे वो दो कॉलम्स. सो बेसिकली मेरा हर इमेज अब सिर्फ 2 डायमेंशन में है. ठीक है, मेरा हर डेटा पॉइंट 2 डायमेंशन में है. और फिर मैंने क्या किया, एक 2D स्कैटर प्लॉट किया यूजिंग प्लॉटली. प्लॉटली इज अ विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी. ऑनेस्टली आप मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न भी यूज कर सकते हो, बट प्लॉटली मैंने इसलिए यूज किया सो दैट अगर मैं उन पॉइंट्स के ऊपर होवर करूं तो मुझे ये भी पता चल जाए कि वो पॉइंट 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 9 है. ठीक है, बेसिकली डायनामिक विजुअलाइजेशन के लिए. और जब मैंने इस कोड को रन किया, ये रहा गाइस हमारा विजुअलाइजेशन 2D में. सो जब आप उस 784 डायमेंशनल डेटा को 2D में लेके आते हो, दिस इज द आउटकम. एंड इट इज सो ब्यूटिफुल. यू कैन सी यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं, लाइक देर आर 33,000 पॉइंट्स, और ईच ऑफ देम इज फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास. मतलब नॉट ईच ऑफ देम, देर आर टेन ग्रुप्स. जीरो वाले सारे यू कैन सी एक तरफ है, ये जीरो वाले सारे हैं. सो अगर मैं होवर करूँ तो यू कैन सी कलर जो है वो बता रहा है कि लेबल क्या है. तो ये जीरो है. ब्लू वाले जो हैं वो सारे के सारे 2 हैं. रेड वाले 1 है. ये पर्पल वाले 7 है. ये ग्रीन इज 9. पीछे छुपे हुए ब्लू में 8 है, एंड सो ऑन. सो यू कैन सी पीछे छुपा हुआ येलो भी है, मतलब उसके ऊपर दूसरे पॉइंट्स आ गए. तो यू कैन सी कि जब मैंने 2D में स्नैपशॉट लिया उस 784 डायमेंशनल डेटा का, तो ये येलो वाले पॉइंट्स पीछे चले गए, छुप गए. तो यू कैन क्लियरली सी कि 2D में यस, हम उतने अच्छे से ये स्नैपशॉट नहीं ले पा रहे, बट आपको फिर भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है. ठीक है, बट और ज्यादा मजा आएगा जब हम इसको 3D में देखेंगे. सो मैंने क्या किया, मैंने फिर से सेम स्टेप्स को रिपीट किया, बट इस बार 3D के लिए. सो मैंने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 रखे. ठीक है, और ट्रांसफॉर्म किया पूरे स्पेस को, और ये रहा मेरा एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म. सो अब मेरा हर इमेज एक 3D का कोऑर्डिनेट बन गया या वेक्टर बन गया. सो यू कैन सी ईच इमेज हैज गॉट 3 वैल्यूज, 1 इन एक्स डायरेक्शन, 1 इन वाई डायरेक्शन, एंड 1 इज जेड डायरेक्शन. ठीक है, और जब फिर मैंने इसको प्लॉट किया तो रिजल्ट्स बहुत ही सही थे. दिस इज द रिजल्ट गाइस, दिस इज द रिजल्ट इन 3D. सो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एंड यू कैन सी कि मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोटा करता हूँ. एंड नाउ लेट्स एनालाइज दिस. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट प्लॉटली इज कि आप इसको इसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, इस ग्राफ के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो. एंड वाइल इंटरैक्टिंग यू वुड सी कि कुछ डिजिट्स जो बहुत अलग दिखते हैं वो सच में बहुत अलग हैं. देखो, जैसे कि 0, और एकदम इस साइड अगर आप इस ग्रीन को पकड़ो 9, या फिर आप इस ऑरेंज को पकड़ो, ऑरेंज इज 7, तो ये ऑरेंज और ये इधर जो पिंक शेड है ये आपस में बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहा है. सो आई गेस आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज 0 और 7 बहुत अलग टाइप के दिखते भी हैं. ठीक है, बट अगर आप ये देखो कि इस विजुअलाइजेशन में यू कैन सी इस वाले पार्ट में आपका जो ग्रीन है और आपका जो येलो है ये दोनों एकदम एक जैसे हैं. मतलब इन दोनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, बिकॉज अपेरेंटली ये डिजिट सेम है. क्या है ग्रीन और येलो? देखो, ग्रीन इज 3 और आपका मैंने कैंसिल कर दिया. सो ग्रीन इज 3 एंड येलो इज 2. सो 2 और 3 काइंड ऑफ सिमिलर रिजल्ट दे रहे हैं. और एक और चीज, इफ यू सी आपका जो ब्लू है
वो भी ग्रीन के साथ बहुत चिपका हुआ है, ये देखो इस एंगल पे अगर आप देखो, मैं इनफैक्ट क्या करता हूँ बाकी सब बंद कर देता हूँ, 6-5 बंद कर रहा हूँ, 4 बंद कर रहा हूँ, 7 बंद कर रहा हूँ, 0 भी बंद कर रहा हूँ, 9 भी बंद कर रहा हूँ, 1 भी बंद कर रहा हूँ और 2 भी बंद कर रहा हूँ। यू कैन सी ये दोनों किस तरीके से एकदम सिमिलर है मोस्टली, ठीक है, क्योंकि अगर आप सोचो तो 3 और 8 सिमिलर होते भी हैं, मतलब 3 और 8 में, मतलब 3 इज बेसिकली हाफ 8, तो यू कैन सी उस तरीके का ही कुछ आपको इस डेटा में दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज ब्यूटीफुल, मतलब जब मैंने पहली बार इसको प्लॉट किया था, ऑल आई फेल्ट वॉज हैप्पीनेस, मतलब इसको देख के बहुत मजा आया, इसके साथ इंटरेक्ट करके बहुत मजा आया। आप क्या करो, आप अलग अलग कलर्स को पकड़ो और उनको साथ में देखो कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। जैसे अगर मैं 3 और 8 को हटा दूं और मैं लेट्स से 1, मैं 0 और 9 को लेके आऊं, तो देखो थोड़ा सा एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, क्योंकि आपको 0 सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है 9 ड्रॉ करते हुए, ठीक है। वही अगर आप 9 और 1 को साथ में स्टडी करो तो यू कैन सी थोड़ा सा है, क्योंकि 9 को बनाते टाइम आपको 1 ड्रॉ करना पड़ता है। और आप इसको देख सकते हो विथ 4 लेट्स से, सो समहाउ 4 और 9 में सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो जस्ट गो ऑन एंड जस्ट एंजॉय दिस विजुअलाइजेशन, मतलब मोर देन एनीथिंग सीख तो आप जाओगे, ये चीज जो है इसको भी आप एक बार यू नो जस्ट फील द मैथ्स, मतलब ये बोला जा सकता है इसके बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने विजुअलाइजेशन दिखा दिया। अब 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं, लेट्स कवर देम क्विकली। सो नाउ गाइस, आफ्टर दैट स्टनिंग विजुअलाइजेशन, मेरे को आपको एक और चीज दिखाना है। सो जब आप अपने PCA ऑब्जेक्ट को फिट कर लेते हो और वो अपना काम कर लेता है, तो उसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। उनमें से एक एट्रीब्यूट है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, और फिर एक और एट्रीब्यूट है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस रेशियो, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सप्लेन्ड वेरिएंस क्या होता है। सो इफ आई रन दिस, सिंस हमने अभी 3 के लिए पूरा चीज किया, 3 एक्सेस के लिए, सो मेरा एक्सप्लेन्ड वेरिएंस जो है वो भी ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप सोचो तो शायद आपको आंसर मिल जाएगा कि ये एक्सप्लेन्ड वेरिएंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। द आंसर इज कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बहुत गाना गा रहे थे आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यू, राइट। तो ये जो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस यहां पर है, दिस इज नथिंग बट द आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यूज है जिनको आप लैम्डा बुला रहे थे, ठीक है। तो सिंस हमें 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स चाहिए थे, तो सबसे मैक्सिमम सिंस हमारे पास 784 आइगन वेक्टर्स आए होंगे, बट हम सिर्फ टॉप 3 को चूज किए, दैट इज व्हाई हमारे पास सिर्फ टॉप 3 की आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब आप बोल रहे होगे या आपके मन में आ रहा होगा कि चलो आइगन वैल्यूज मान लिया, ये आइगन वैल्यूज है, वेयर आर आइगन वेक्टर्स, तो वो भी आपके पास होता है आफ्टर परफॉर्मिंग दिस स्टेप। यू हैव टू जस्ट टाइप pca.components_, और जब आप इसको रन करोगे यू विल गेट अ सेट ऑफ 3 वेक्टर्स इन द 784 डायमेंशनल स्पेस। सो अगर आप इसका शेप निकालो तो यू वुड फाइंड कि देर आर 3 वेक्टर्स, और हर वेक्टर में 784 कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये 784 डायमेंशनल स्पेस के वेक्टर्स हैं। मतलब आप आई गेस समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूं, कि जब आपके पास 3 एक्सिस हैं और इसमें अगर आपको अपने आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, तो ऑब्वियसली जो वेक्टर्स होंगे उसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक्स, वाई और जेड, राइट। अगर आप ऐसे 2 आइगन वेक्टर्स निकालो तो ऑब्वियसली आपका शेप क्या होगा, 2 आइगन वेक्टर्स कॉमा 3, क्योंकि आपके 3 एक्सिस में काम कर रहे हैं ये आइगन वेक्टर्स। तो मैं एग्जैक्टली वही बात बोल रहा हूं, आपके पास 784 डायमेंशन का कोऑर्डिनेट स्पेस है और आपको इसमें से 3 वेक्टर्स निकालने हैं, तो उसका शेप क्या होगा, 3 वेक्टर्स कॉमा 784 कंपोनेंट्स ऑफ दैट स्पेस, ठीक है। अगर आप और ज्यादा वेक्टर्स लेते, लेट्स से आप 100 वेक्टर्स लेते, तो शेप आता 100, 784, ठीक है। सो आपका एक वेक्टर का शेप 784 होगा, वही यहां पर दिखाई दे रहा है, एंड लाइक दिस इज योर आइगन वेक्टर्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। और इनको ही यूज करके हम क्या करेंगे, अब हमारे सारे पॉइंट्स को
ट्रांसफॉर्म कर देंगे, वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली हो जाता है जब आप फिट ट्रांसफॉर्म को कॉल करते हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट या जो हमने पढ़ा और जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं उसमें यू कैन सी कि सिमिलैरिटी है, ठीक है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि अभी तक मैंने क्या किया कि मैंने 100 ले लिया था 784 में से और मैंने बोला था देखो 100 पे सही रिजल्ट आएगा, एंड एक्चुअली जब 784 कंपोनेंट्स थे यू आर गेटिंग 96% एक्यूरेसी और विथ 100 यू आर गेटिंग 95, फिर मैंने एक लूप चला दिया था, राइट। बट अब हम क्या करेंगे, हम ये ऑप्टिमम नंबर पता करेंगे कि कितना नंबर अगर आपके पास हो तो बेस्ट रहता है, मतलब उतने ही प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आपको लेने चाहिए, ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस, लेट्स डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम नंबर, लेट्स फाइंड आउट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड जिससे हमारा काम हो जाए, ठीक है। सो होता क्या है, इन प्रिंसिपल आप सबसे पहले आपके पास आइगन वैल्यूज होती हैं जिनको आप लैम्डा से डिनोट करते हो। सो अगर आप एक 784 डायमेंशनल स्पेस के ऊपर पीसी अप्लाई करोगे तो आपको 784 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मिलेंगे विथ वैल्यूज ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 784, ठीक है। अब ये जो लैम्डा 1 है ये बताता है, ये आइगन वैल्यू ये बताता है कि अकेले ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल कंपोनेंट आपके ओरिजिनल डेटा का कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है। आइगन वैल्यूज ये बताती हैं कि अकेले ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल कंपोनेंट आपके ओरिजिनल डेटा का कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर पाता है, दैट इज वाई इनका नाम एक्सप्लेन्ड वेरिएंस भी था वहां पे, ठीक है। तो आप ये पता करोगे कि हर वेक्टर, हर आइगन वेक्टर कितना परसेंट ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन करता है। ये जो वैल्यू है दिस इज नॉट इन परसेंट, ठीक है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि यहां पर 40 आ रहा था, फिर 29 आ रहा था, फिर 26 आ रहा था। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो अगर मुझे फर्स्ट वाले का परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा 784, और इस नंबर को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड दिस विल बी द परसेंटेज वैल्यू। सो ये जो भी परसेंटेज वैल्यू आएगा, अकेले ये पर्टिकुलर वेक्टर उतना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है ओरिजिनल डेटा का, ठीक है। और आपको टोटल मिला के कम 90% वेरिएंस एक्सप्लेन करवाना होता है, तो इसका मतलब आप उतनी वैल्यूज लोगे जितने में जोड़ते जोड़ते आप 90 तक पहुंच जाओ। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि लैम्डा 1 30% वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, लैम्डा 2 25% वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, हमारा थर्ड आइगन वेक्टर 15 कर रहा है, हमारा फोर्थ 10 कर रहा है, हमारा फिफ्थ 5 कर रहा है, और इसके बाद घटता जा रहा है, ठीक है। तो 30 प्लस 25 55 55 प्लस 15 70 80 85, तो मान के चलो कि लैम्डा 15 तक अगर आप जोड़ दो, मतलब अगर आप 15 कंपोनेंट्स लो लैम्डा 1 टू लैम्डा 15, तो आप 90% क्रॉस कर रहे हो। तो आप 15 कंपोनेंट्स लोगे क्योंकि आपको 90% वेरिएंस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, मैं एक बार समराइज कर देता हूं अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हर सिंगल आइगन वैल्यू ये बताता है कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ओरिजिनल डेटा का कितना वेरिएंस एक्सप्लेन करता है, बट ये परसेंटेज वैल्यू नहीं है। आप इसको परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, कैसे, अपने आइगन वैल्यू को डिवाइड कर देते हो सारे आइगन वैल्यूज के सम से और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। दैट इज द परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय अ पर्टिकुलर आइगन वेक्टर। अब आपको क्या करना है, आपको उतने कंपोनेंट्स लेने हैं जितने कंपोनेंट्स का ये परसेंटेज को जोड़ के 90 हो जाए, ठीक है, दैट्स इट, यही रूल होता है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले अगर आपको परसेंटेज वैल्यू चाहिए कि ये पहला वेक्टर कितना परसेंट काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ये लिखोगे पीसीए डॉट एक्सप्लेन्ड वेरियंस रेशियो, ये ऑटोमेटिकली वो काम कर रहा है। सी ऑल्दो ये परसेंटेज में है
बस हंड्रेड्स में मल्टीप्लाई नहीं हुआ है. अगर आप इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल गिव यू फाइव. सो ये जो पहला आइगन वेक्टर है ये 5% वेरियंस एक्सप्लेन कर रहा है ओरिजिनल डेटा का, ऑब्वियसली बहुत कम है. दूसरा वाला 4% कर रहा है, उसका अगला वाला 3% कर रहा है. मतलब अगर आप पहले तीन टॉप आइगन वेक्टर्स को जोड़ दो तो ये लोग मिल करके डेटा का 12% वेरियंस एक्सप्लेन कर रहे हैं. 100% वेरियंस से 12% ऑब्वियसली बहुत कम है. तो अब एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि क्या ऑप्टिमम नंबर है इस डेटा सेट के ऊपर. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से एक बार पीसीए परफॉर्म करूंगा. आई विल परफॉर्म पीसीए वन लास्ट टाइम. और इस बार मैं क्या करूंगा, आई विल नॉट पुट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. सो मैं यहां पे नन लूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा और पीसीए परफॉर्म हो गया. अब अगर आप पीसीए डॉट एक्सप्लेन्ड वेरियंस देखो तो इसका शेप 784 होगा बिकॉज आपके सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स यहां पर हैं. और अगर आप कंपोनेंट्स निकालो पीसीए डॉट कंपोनेंट्स तो अब आपके पास 784 वेक्टर्स होंगे 784 डायमेंशनल स्पेस में. मतलब इसका शेप इज 784 वेक्टर्स एज इन 784 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इन 784 डायमेंशनल स्पेस. ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर अगर आप देखो तो पीसीए डॉट एक्सप्लेन्ड वेरियंस रेशियो मुझे बता रहा है कि ये 5% एक्सप्लेन कर रहा है, ये 4% एक्सप्लेन कर रहा है, ये 3% एक्सप्लेन कर रहा है और धीरे धीरे वो नंबर घट रहा है. अब मैं क्या करूंगा, मैं क्यूमुलेटिव सम अप्लाई करूंगा. सो फर्स्ट जब होगा तो ये वैल्यू आएगा, फिर सेकेंड जो वैल्यू होगा वो इन दोनों का सम होगा, फिर जो थर्ड वैल्यू होगा वो इन तीनों का सम होगा, फिर जो फोर्थ वैल्यू होगा वो इन चारों का सम होगा, सो ऑन. और मैं देखूंगा कि किस पॉइंट पे जाके मैं 90 पे रीच कर रहा हूं. सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस चीज के ऊपर एक्सप्लेन्ड वेरियंस रेशियो के ऊपर एनपी डॉट क्यूमुलेटिव सम फंक्शन को कॉल कर रहा हूं. और क्यूमुलेटिव सम क्या करेगा, मुझे एक नया एरे देगा. सो यू कैन सी यहाँ पे 5%, यहाँ पे अब 9 हो गया, 5+4, यहाँ पे 13 हो गया क्योंकि अगला 2 point something था, 16 हो गया, 19 हो गया, यहाँ तक 61 हो गया, यहाँ पे 70 हो गया, थोड़ा अगर मैं और नीचे जाऊं हम 86 पे पहुंच गए हैं. और यहाँ पे गाइज इस जगह पे फर्स्ट टाइम 90 आ रहा है. ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, रादर देन मैनुअली काउंटिंग की कौन से नंबर पे आ रहा है 90, मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ. यू कैन सी लास्ट में तो 1 ही हो जा रहा है. तो व्हाट आई विल डू इज आई वुड राइट पीएलटी डॉट प्लॉट एंड आई विल पास दिस एंटायर थिंग. आई विल पास दिस एंटायर थिंग एंड यू वुड सी कि हमें ग्राफ मिलेगा. और उस ग्राफ को स्टडी करने से हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि कितने कंपोनेंट्स लेने सही हैं. सो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, वाई एक्सिस पे है आपका वेरियंस कितना एक्सप्लेन हो रहा है. सो यू कैन सी धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता है और फिर सेटल हो जाता है 1 की तरफ. तो मुझे कितना चाहिए, मुझे 90 चाहिए. सो यहाँ पे मुझे इस जगह पे मैं कट मारूंगा, यहाँ पे कहीं पे आ रहा हूँ एंड यू कैन सी अराउंड 200 के पास मेरा 90% वेरियंस एक्सप्लेन हो रहा है. आई कैन ऑल्सो सी कि 95% वेरियंस कहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है, अराउंड 400. ठीक है, तो दैट इज हाउ यू डू इट. आपको बस ये ग्राफ प्लॉट करना होता है अपने डेटा सेट के ऊपर और आपको पता चल जाएगा कि कितने कंपोनेंट्स आपको चाहिए. हमेशा ये रूल ऑफ थंब याद रखना, 90% वेरियंस अगर आप एक्सप्लेन कर लेते हो अपने डेटा का, आपका काम हो जाएगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे. ठीक है, एंड दैट्स इट गाइज, दैट इज हाउ यू डू दिस एंटायर थिंग. और आई वुड एनकरेज यू कि आप जाकर के किसी और डेटा सेट पे ये पूरी की पूरी चीज करो. ठीक है, मतलब पहले पीसीए अप्लाई करो, फिर कंपेयर करो कि विदाउट पीसीए जो रिजल्ट्स आ रहे थे वैसे रिजल्ट आपको विथ पीसीए मिल रहे हैं कि नहीं, फिर आप उसको विजुलाइज करने का ट्राई करो, उसके बाद आप ये निकालो कि आपको कितने कंपोनेंट्स की जरूरत है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन 90% वेरियंस. ठीक है, सो दैट वुड बी अ ग्रेट एक्सरसाइज. अब बस एक लास्ट टॉपिक बच गया कि कब पीसीए हेल्प नहीं करता, वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. सो गाइस, पहली बार पीसीए पढ़ना इज अ मैजिकल एक्सपीरियंस. आपको बहुत पावरफुल फील होगा और आपको लगेगा आप कितने भी हायर डायमेंशनल डेटा को तुरंत से 2D और 3D में लाके विजुलाइज कर सकते हो. और ऐसा होता भी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट कभी कभी नहीं भी होता है.
सो अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन सिनारियोज जहाँ पे पीसीए आपका हेल्प नहीं कर पाएगा. और उसका रीजन ये नहीं है कि पीसीए में प्रॉब्लम है, उसका रीजन ये है कि आपका डेटा ऐसा है कि वो पीसीए को काम ही नहीं करने देता. ठीक है, जैसे कि मैं आपको तीन केसेस दिखा रहा हूँ. सो द फर्स्ट केस इज कि आपके पास जो डेटा है इट्स अ सर्कल, ठीक है, और जो आपका एक्स एक्सिस पे वेरियंस है और जो आपका वाई एक्सिस पे वेरियंस है वो बराबर है. अब अगर आप एक्सिस को किसी तरीके से घुमा भी दो, आप आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर भी लो, तो वो जो नए कोऑर्डिनेट स्पेस है उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, उसमें भी एक्स और वाई पे आपका वेरियंस बराबर आ रहा है. तो आप किसको हटाओगे? आप किसी को भी हटा नहीं सकते, राइट? तो दो से अगर आप घटा ना पाओ और दो ही रह जाए तो पीसीए करने का फायदा क्या है, राइट? सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हायर डायमेंशनल स्पेसेस में आपका जो डेटा है वो इस तरीके से अलाइंड है कि वेरियंस आप कितना भी आइगन वेक्टर्स या कुछ भी फाइंड करके देखो, आपका वेरियंस अक्रॉस सारे एक्सिस ऑलमोस्ट बराबर है. इन दैट केस कोई फायदा नहीं होता पीसी अप्लाई करके, ठीक है? सो दैट्स वन केस. सेकेंड केस इज कि कभी अगर आपके पास इस तरह का डेटा है जहां पर आप जब प्रोजेक्शन करोगे, मतलब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, आप जैसे ही ऊपर वाली चीज का प्रोजेक्शन करोगे सारे पॉइंट्स यहां आके गिर जाएंगे, ठीक है, और फिर जब आप नीचे वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन करोगे तो ये सारे पॉइंट्स भी आकर के उसी रेंज में गिरेंगे. तो जब आप ये डेटा का स्नैपशॉट ले रहे हो छोटे डायमेंशन से, तो आप दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे और बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, तो इन शॉर्ट मजा नहीं आएगा और आपके पीसीए का कुछ खास रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है? सो दिस इज वन मोर केस. ओके, थर्ड इज कि आपके डेटा में एक स्पेसिफिक पैटर्न है, जैसे कि यहां पर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैटर्न है, ठीक है? अब अगर आप इसको लूज करते हो, मतलब अगर आप इसको वन डायमेंशन में लेके आते हो, तो ये सारे पॉइंट्स इस तरीके से आएंगे, राइट? तो इन अ वे आपका जो पैटर्न था हायर डायमेंशन में वो पैटर्न आप लूज कर रहे हो, ठीक है? तो वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लूज हो रहा है पीसीए के अंदर, और हो सकता है आपका मॉडल उतना बेहतर अब काम ना कर पाए. इट कुड वर्क विथ एनी काइंड ऑफ डेटा. आपके पास साइन कर्व है तो आप साइन कर्व भी सारे के सारे यहीं पर गिर जाएंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि वो कभी ओरिजिनली हायर डायमेंशन में साइन कर्व था, राइट? आई गेस आपको समझ में आ रहा है. सो अगर कोई स्पेशल फॉर्म लेके बैठा है आपका डेटा हायर डायमेंशन में और आप उसको लोअर डायमेंशन में प्रोजेक्ट करके उसको लूज कर रहे हो, तो वो जो एक इंपॉर्टेंट बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो खो जाता है और फिर आपका पीसीए उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है? तो ये कुछ केसेस हैं जहां पे पीसीए ठीक से काम नहीं करता. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, ब्यूटिफुल एल्गोरिदम बहुत बढ़िया काम करता है और बहुत पावरफुल रिजल्ट देता है, ठीक है? तो आई नो दिस हैज बीन प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज. मेरे को नहीं पता, शायद एक घंटा हो गया होगा. बट अगर आप इसको पूरा कंप्लीटली देखो, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको साथ में प्रैक्टिकली करो, ठीक है? और सोचो, मतलब पीसीए के बारे में जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि अगर आप सोचोगे ना बैठ करके पीसीए के बारे में, तो आप और समझोगे. तो इट्स ऑल्सो अ थिंकिंग एक्सरसाइज, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.